हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। आई एम द इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न इन इंग्लिश लेसन नंबर 7। टॉपिक इज अ विजिट टू अंकल एंड अंकल्स फार्म। उसका मतलब होता है बेटा अंकल के फार्म हाउस में विजिट करने जाना, उसको देखने जाना। अब यहाँ पे दो फैमिली होता है, एक अंकल का फैमिली है और दूसरा फैमिली है लीजास फैमिली। अंकल ने लीजा के फैमिली को अपने फार्म हाउस में इनवाइट किया था देखने के लिए वहाँ पे कौन कौन सी खेती लगी है। अब खेतों में आपने देखा होगा, जो गांव में रहते हैं आपने देखा होगा खेतों में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं और उन्हीं फसलों से हमारे लिए अनाज आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस फार्म हाउस में जो पूजा और जय के फार्म हाउस है उसमें कौन कौन से फसल लगे हैं। तो जहाँ पे बरसात के दिनों में बहुत सारे फसल लगे होते हैं और जब इसमें फूल और फल आने लगते हैं तो इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। ओके बच्चों, अब हमको लगता है कि आप लोग फार्म के बारे समझ ही गए होंगे, फील्ड के बारे, खेतों के बारे समझ ही गए होंगे जहाँ पे अनेक तरह के फसल उगाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज। नाउ व्हाट द एक्सरसाइज सेज, लुक एट हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका मतलब है आपको इस यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, उसके आंसर लिखने हैं, पढ़ने हैं और सीखने हैं। ओके बच्चों, नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली गो। अब ये जो फैमिली था वो कहाँ गया था बच्चों? अब उसका आंसर है द फैमिली वेंट टू अ फार्म। वो फैमिली, वो परिवार एक फार्म हाउस में गया था फील्ड को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वाइटेड द फैमिली टू द फार्म। किसने फैमिली को फार्म में इन्वाइट किया था? तो उसका आंसर है बेटा लीजास अंकल हैड इन्वाइटेड द फैमिली टू द फार्म। यहाँ पे लीजा के अंकल ने फैमिली में उस परिवार को फार्म देखने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर वेटिंग फॉर द फैमिली। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कौन कौन है जो उस फैमिली के लिए इंतजार कर रहे थे, उस फैमिली के आने की इंतजार कर रहे थे। अब आंसर है जय एंड पूजा वर वेटिंग फॉर द फैमिली। अब अंकल के बच्चे हैं जय और पूजा, वो फैमिली के लिए इंतजार कर रहे थे, फैमिली के आने की इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच फील्ड डिड द चिल्ड्रन सी एट द फार्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फील्ड में चिल्ड्रन ने, बच्चों ने कौन कौन से फसल देखा? तो उसका आंसर है द चिल्ड्रन सो वीट एंड मस्टर्ड फील्ड एट द फार्म। फार्म में बच्चों ने वीट एंड मस्टर्ड, वीट एंड मस्टर्ड का मतलब होता है गेहूं और सरसों के फसल उनने देखा। ओके बच्चों, अब हमको लगता है कि आप लोग फार्म के बारे समझ ही गए होंगे, फार्म का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उगाई जाती है। ओके बच्चों, अब हम लोग होमवर्क की ओर जाते हैं। Now you have understood the meaning of the field and farm. Now we will do the homework. As a homework, you have to write and learn all the questions and answers in your homework copy. And you have to study at home because now it is lockdown. So you have no chance to come to school. So please study and learn at home by selves. Okay students, for today we will stop the video session. We'll meet in next video session. Bye. Thank you.